मून एकमात्र स्पेस ऑब्जेक्ट है जिसे मनुष्य ने 20 जुलाई 1969 को विजिट किया था, जिसकी सतह पर अपोलो अंतरिक्ष यान उतरा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन एक साथ चांद पर चलने वाले पहले व्यक्ति बने। उन्होंने पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट पर लगभग 2.5 घंटे बिताए। उड़ान की तैयारी में कई साल लग गए और सभी एस्ट्रोनॉट्स उपकरणों का वजन 80 किलोग्राम से अधिक था। तो आपने चांद पर क्या पाया? यह सब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है, एक ऐसा प्रोटेक्टिव सूट जो व्यक्ति कम से कम 30 सेकंड के लिए चंद्रमा पर जीवित रहने में सक्षम हो। वैसे क्या आप जानते हैं कि कितने लोग चांद पर जा चुके हैं? वेल, इसका आंसर वीडियो के अंत में मिलेगा। तो आइए कल्पना करें कि आप चंद्रमा पर है और आपके पैरों के नीचे चंद्रमा की धूल है और एक ब्लैक स्काई है जिसमें बहुत से सितारे भरे पड़े हैं, लेकिन आपके पास दृश्यों की प्रशंसा करने का कोई समय नहीं है। दुर्भाग्य से सांस लेने के लिए आपके पास कोई हवा भी नहीं है। अगर चंद्रमा की तुलना पृथ्वी से की जाए तो चंद्रमा के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। हमारा पृथ्वी की एटमॉस्फेयर 10 ट्रिलियन डेंसर है चंद्रमा में पाए जाने वाले गैस से। चंद्रमा के वातावरण में 100 मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। पृथ्वी के वायुमंडल में सी लेवल पर क्यूबिक सेंटीमीटर में लगभग 100 बिलियन मॉलिक्यूल्स है। इस लूनर गैस का टोटल मास लगभग 25,000 किलोग्राम है, जो कि एक भरा हुआ डंप ट्रक के समान है। वास्तव में वातावरण का घनत्व चंद्रमा की तुलना पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परतों के घनत्व से की जा सकती है, जहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लोकेटेड है। वेल, देयर इज अ गुड न्यूज गाइस, इस तरह की कंडीशन में आप तुरंत नहीं मरेंगे। आपके पास 15 सेकंड से हाइपोक्सिया से बाहर निकलने के लिए। इससे पहले कि आप हाइपोक्सिया से मर जाए, कितना समय है आपके शरीर को आपके ब्लड में बचा हुआ ऑक्सीजन का उपयोग ब्रेन के फंक्शन को बनाए रखने के लिए करना होगा। शायद आपने ब्लॉफिश की मेम्स को देखा होगा, जिसे पृथ्वी का सबसे दुखी प्राणी कहा जाता है। प्रेशर की ड्रॉप होने की वजह से ये फिश दुखी हो जाता है। ये फिश बड़ी गहराई पर रहती है और वहाँ इसका आकार बहुत सामान्य रहता है, और जब इसे पकड़ा जाता है तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये इसकी शरीर फूल जाती है। वेल गाइस, चांद पर आपकी हाल बिल्कुल ऐसी ही हो सकती है ड्यू टू लार्ज प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि वहाँ पर सामान्य रूप से कोई वातावरण नहीं है, क्योंकि वहाँ का प्रेशर एक्सट्रीमली लो है। लगभग 12 से 20 टन के मास के साथ हवा का एक कॉलम पृथ्वी पर एक वयस्क शरीर की पूरी सतह पर दबाव डालता है। हालांकि हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। पहली बात, एयर पिलर समान रूप से हमारे शरीर में दबाव डालता है, और दूसरी बात यह है कि हमारे शरीर के अंदर भी हवा है और हमारे शरीर का इंटरनल प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर है। चांद पर लो प्रेशर के कारण नाइट्रोजन हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है और टिश्यू आपके ब्लड में बुलबुले के रूप में रिलीज हो जाएंगी, और इस तरह आपके शरीर गुब्बारे की तरह फूल जाएंगी, लेकिन आप फटोगे नहीं। आपकी स्किन की इलास्टिसिटी आपको फटने से बचा लेगी, बट सांस को रोकने की गलती मत करना। और इस तरह के सेम प्रॉब्लम गोताखोर करते हैं, तब तो वो सतह पर तेजी से आते हैं, और इस तरह से करने से आपके फेफड़े फट भी सकते हैं। सबसे अच्छा आइडिया है कि आप अपना सांस को छोड़ें। मोर ओवर अंडर सच कंडीशंस वाटर विल बॉयल रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब यह है कि स्किन और आँख के खुले एरियाज में लिक्विड इवापोरेट हो जाएंगे और आप फील कर पाओगे कि आपके जीव में सलाइवा है, जिसे हम लार कहते हैं, वे इवापोरेट हो जाएंगी, लेकिन ब्लड लिक्विड ही रहेगा। आपके वेसल्स की दीवारें इसे उबलने से बचाएंगी। हम लोग एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते हैं कि मून का टेम्परेचर काफ़ी कम्फर्टेबल है। दिन के समय मून का टेम्परेचर लगभग 127 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाती है और रात में टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 29 दिनों के बराबर होता है। मून की यात्रा के लिए बेहतर होगा कि आप अपोलो 11 चुनें। तीन तरह के हीट ट्रांसफर होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। स्पेस के वैक्यूम में सिर्फ एक ही तरह का थर्मल रेडिएशन होता है, और इस प्रकार से आपकी शरीर की गर्मी धीरे धीरे गिरते चली जाएगी। आप केवल अंतरिक्ष में नहीं हैं, आप चंद्रमा की सतह पर खड़े हैं, जिसका अर्थ यह है कि
अन्य प्रकार का हीट ट्रांसफर है, लेकिन चंद्रमा की सतह हीट कंडक्ट अच्छी तरह से नहीं कर पाती है, इसलिए आप कम से कम 30 सेकेंड्स के लिए बर्फ तो नहीं बनेंगे मून में। अगर आप दोपहर में मून में जाते हैं तो आप कुछ ही सेकेंड्स में सन की सोलर रेडिएशन से आप जल के खाक हो जाओगे, और पृथ्वी में हमें ओजोन लेयर बचाती है इस सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। पर मून पर आपको ऐसी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, और आप मून की सतह पर खड़े भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मून की सतह काफ़ी गर्म होती है। पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट में भी एक बहुत ही कमज़ोर चुंबकीय क्षेत्र होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप मून में होते हो तो आप स्ट्रीम्स ऑफ सोलर और गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणों की आप पर बौछार होने लगेंगी। वैज्ञानिकों के अनुसार पूरे वर्ष में चंद्रमा पर रेडिएशन का लेवल लगभग 100 से 380 मिलीसेवर तक होती है। अगर आप अपने चेस्ट की 3 बार एक्सरे करवाते हैं तो वो 1 मिलीसेवर के बराबर होता है। तो आप इसे ऐसे समझिए, यदि आप चांद पर पूरे 1 वर्ष तक रहते हैं तो आपको सेम डोज मिलेगा रेडिएशन का, जो कि आप 300 से 1140 एक्सरे करवाने के बराबर मिलेगा, और भविष्य में आपको बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। वेल गाइस, सूरज विशेष रूप से बड़ी संख्या में एक्सरे एंड गामा रेस को छोड़ती है। चांद पर रहने में एक और प्रॉब्लम हो सकती है, वो है चांद की डस्ट, जिसे हम रेगोलिथ कहते हैं। और गाइस, इस डस्ट से भी आपकी मौत हो सकती है, और ये वही जगह है जहाँ नील आर्मस्ट्रांग ने अपनी कदमों की छाप छोड़ी थी। और आपको डेफिनेटली एक स्पेस सूट चाहिए, बिना स्पेस सूट के चंद्रमा की डस्ट से आपकी दर्दनाक मौत हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा चांद पर बड़ी संख्या में खड्डे को, ये खड्डे को क्रेटर नाम से जानते हैं, और ये क्रेटर्स मीटियोराइट्स के टकराने की वजह से हुई हैं। मीटियोराइट्स की बमबारी 3.87 बिलियन साल पहले ही खत्म हो गए हैं, फिर भी उल्कापिंड यानी कि मीटियोराइट्स अभी भी मून की सतह पर टकराते रहते हैं। कभी कभी तो वे छोटे छोटे होते हैं, और कभी कभी तो वे अविश्वसनीय रूप से विशाल होते हैं। उदाहरण के लिए स्पैनिश में एस्ट्रोनॉमर्स ने 400 किलोग्राम से भी अधिक वजन वाले उल्कापिंड की टक्कर दर्ज की थी। अगर आप खुद को ऐसे विशालकाय उल्कापिंड के स्थान के पास पाए तो आप 30 सेकंड से पहले ही खत्म हो जाएंगे। जितने भी मेटियोराइट्स चांद से टकराती है वे सब रेगोलिथ बन जाती है, जिसके पार्टिकल्स की साइज 0.03 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक होती है, और ये बहुत ही शार्प होती है, और ये आसानी से आपके फेफड़े को डैमेज कर सकती है। चंद्रमा की धूल लगातार सोलर विंड पार्टिकल्स द्वारा बमबारी की जाती है, और यही कारण है कि यह एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज प्राप्त करती है। इसीलिए यह चंद्रमा की सतह से ऊपर उठता है, और रेगोलिथ यानी कि डस्ट आपकी आंखों में जलन और साइनसाइटिस का कारण बन सकता है। इसलिए चंद्रमा में आपके मौत के लिए 30 सेकंड्स काफ़ी है। लेकिन क्या होगा अगर आप एक स्पेस सूट के बिना वहां लंबे समय तक रहें? तो अंत में आपको हवा की कमी आपको मार सकती है, ऑक्सीजन की कमी शुरू हो जाएगी, और तब आपके ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाएंगी। अगर आप अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स की तरह चांद पर लंबी सैर करना चाहते हैं तो आपको एक रिलायबल प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। नासा ने हाल ही में एक नया स्पेस सूट इंट्रोड्यूस किया है, जो कि आपको चांद पर जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस सूट का वजन 91 किलोग्राम है, लेकिन चूँकि चंद्रमा का ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कमज़ोर है, और सूट बनाने वाले डेवलपर्स काफ़ी श्योर है कि इसे पहनने के बाद एस्ट्रोनॉट्स काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे, और एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा की सतह पर कूद कूद कर चलना नहीं पड़ेगा जैसे कि पहले के एस्ट्रोनॉट्स करते थे। ये सूट पहनकर एस्ट्रोनॉट्स आसानी से चल सकेंगे, और ये सूट मून की डस्ट और रेडिएशन से भी बचाएंगी। इस सूट को डिज़ाइन किया गया है मून वॉक के लिए, और ये सूट 8 घंटों तक चलेंगी, और आने वाले 2024 साल में एस्ट्रोनॉट्स चांद में जाने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। नासा ने चांद पर एक नया लूनर प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका नाम है आर्टिमिस प्रोग्राम। एंड फाइनली हम इस सवाल का जवाब में आते हैं कि कितने लोगों ने चंद्रमा पर कदम रखे हैं। 1969 से 1972 की पीरियड में अपोलो प्रोग्राम के तहत 6 फ्लाइट्स को चंद्रमा पर लैंड करवाई गई थी, और उसमें से 12 लोगों ने चांद पर पहला कदम रखे थे। सबसे लंबा चांद पर चलने वाले
जेनी सेरेनन और हैरिसन सिमिट थे। आखिरी अपोलो फ्लाइट्स के दौरान 7 घंटे 36 मिनट तक चला और एस्ट्रोनॉट्स एलन शेपर्ड ने वहाँ पर गोल्फ भी खेला। और शायद पृथ्वी के सबसे नज़दीक सैटेलाइट में हम भविष्य में कदम रख पाएँ। अगर आप सब ने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। बस गाइस, इस चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।